बीजेपी की सरकार का प्रायोरिटी बिल्कुल शिक्षा नहीं रहा, सरकारी स्कूल, क्योंकि उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के दलितों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, गरीब हर गरीब का बच्चा पढ़ता है, इसीलिए 5,000 सरकारी स्कूलों को उन्होंने बंद करने का काम किया। बीपीएल सर्वे करवाएंगे, गरीबों को जो है 100 से बच का प्लॉट देंगे और 2 कमरे का मकान उनको प्राथमिकता के आधार पर देने का हम लोग काम करेंगे। और लोगों ने मन बनाया है कि आ रही है कांग्रेस, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीत कर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी जारी किया है, उससे पहले 7 जारी किए थे और आज बदले का हालात के नाम से मुख्यमंत्री का जारी किया, उसके बारे में बात करेंगे। मैनिफेस्टो की पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रही, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। जारी किया उसमें शिक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या आपने हम लोग हरियाणा को सुरक्षित हरियाणा देने का वादा करते हैं, हम अच्छी शिक्षा देने का वादा करते हैं, अच्छी चिकित्सा देने का वादा करते हैं, हम कहीं मान सम्मान देने का हमने वादा किया है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का हमने वादा किया है। हरियाणा असुरक्षित श्रेणी में ये राज्य आ चुका है, सुरक्षित हरियाणा देने का वादा करते हैं, ताकि जो व्यापारी पलायन कर रहे हैं वो यहाँ पर अपना इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लेकर आए, किसानों को हम लोग एमएसपी की गारंटी देने का वादा करते हैं, कानूनी गारंटी हम सुनिश्चित करेंगे, किसानों को डीजल कार्ड देने का वादा करते हैं, किसान जो हमारे शहीद हो गए थे उनको शहीदी दर्जा देने का वादा करते हैं, उनका स्मारक बनाया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती विधान के तहत देने का हम लोग वादा करते हैं, बहन बेटियों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं, बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन 6,000, विकलांग पेंशन 6,000, 2,000 लाडली इंदिरा लाडली सम्मान योजना के तहत बहनों के खाते में देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में जवाहर और किसान और पहलवान के बारे में बताया, विशेष रूप से शिक्षा के बारे में आप शिक्षा मंत्री रही पहले, इसलिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई स्कूल बंद किए गए हैं, स्कूलों की पुनर्बहाली के लिए शिक्षा में कुछ कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल रखा गया है, हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को अच्छे ढंग से लागू करने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार का प्रायोरिटी बिल्कुल शिक्षा नहीं रहा, सरकारी स्कूल, क्योंकि उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के दलितों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, गरीब हर गरीब का बच्चा पढ़ता है, इसीलिए 5,000 सरकारी स्कूलों को उन्होंने बंद करने का काम किया, केवल और केवल नामकरण करने का काम किया, आरोही मॉडल स्कूल्स में आज तक स्टाफ तक नहीं लगाया। हम प्राथमिकता के आधार पर क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करेंगे, इन्होंने जो डाइट बंद कर दी है उनको दोबारा शुरू करेंगे, जहां भी जरूरत होगी सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करेंगे, प्राइवेट स्कूल को भी हम अच्छे ढंग से मॉनिटर करने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी अच्छे ढंग से शिक्षा देने का काम करेंगे। वर्तमान सरकार के पास गरीबी रेखा की सूची का कोई आंकड़ा मुझे नहीं लगता है, गरीबी रेखा को जो व्यक्ति है जो परिवार है उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे? देखिए हमारा हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि परिवार पहचान पत्र की आड़ में इन्होंने बहुत से बीपीएल कार्ड काटने का काम किया, उन बीपीएल का परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने का काम करेंगे, बीपीएल सर्वे करवाएंगे, गरीबों को जो है 100 से बच का प्लॉट देंगे और 2 कमरे का मकान उनको प्राथमिकता के आधार पर देने का हम लोग काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हर गरीब का ध्यान रखने का काम, क्योंकि गरीब का कांग्रेस का साथ गरीब के साथ हर गरीब का काम। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आज चुनाव का दौर चल रहा है, प्रचार का दौर चल रहा है, मुझे लगता है चरम सीमा पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं, आप इस चुनाव में क्या देख रहे हैं, आप मुद्दों पे चुनाव होगा या जात पात के समीकरणों पे चुनाव होगा? विकास के नाम पर हम लोग कांग्रेस पार्टी मैदान में जा रही है, हमारा जो है डेवलपमेंट एजेंडा रहेगा, युवाओं का उज्जवल भविष्य रहेगा, बहनों की सुरक्षा रहेगी, किसानों का मान सम्मान रहेगा, कर्मचारियों को ओटीएस देने का वायदा रहेगा, अच्छा टोटल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारा वायदा है, उसी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और लोगों ने मन बनाया है कि आ रही है कांग्रेस। या फिर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट आप मानते हैं? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीतकर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस काम करी मैम, आज कितनी सीटें आप? आज के समय में भी 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनावी मैदान में खड़ी है, 90 की 90 सीटों पर हमारा दावा है, मजबूती से थंपिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी। थैंक यू।